पहले तुमने उसे पीछे से हक किया और फिर उसकी गर्दन पर किस किया। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, जब लेंस लगाने में इतनी दिक्कत होती है तो इसको लगाते क्यों भाई? अरे यार सारे ही लगाते हैं, फैशन है, फैशन को फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो। अभी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? हाँ बात तो सही कह रहे हो। और ये जो तुमने छपरी जैसा पहना हुआ ये क्या? जब तुम्हें पता ना हुआ करे ना तो बेफजूल में काई करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी से पहले जब मैं और सुजाता मिला करते थे ना तो इसी ड्रेस कोड में मिला करते थे, इसीलिए आज हम सब ने डिसाइड किया था कि उसकी बर्थडे पार्टी में हमारा ड्रेस कोड यही होगा। समझ में आया कुछ? ठीक है समझ गया। अभी फटाफट से तैयार हो जाओ क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। अरे बाबा मैं तैयार हो रही हूँ, तब तक तुम कैब बुक करो ना। कैब क्यों बुक करो, जब घर के अंदर गाड़ी पड़ी हुई है तो कैब की क्या जरूरत है? क्यों तुम वहाँ ड्रिंक नहीं करोगे ना? करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और तुमने खुद परमिशन दी है कि भाई एक दो छोटे छोटे बैग चल सकते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि चालान महंगे हो चुके हैं। ठीक है बाबा मैं कैब बुक करता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। हाँ तो मैंने भी कैब ये कर दी बुक, चले फिर देखिए और पूछ। चलिए चल। कितनी खुश थी मैं सुजाता के घर जाने से पहले। हाँ खुश तो थी। क्या कहा था मैंने तुमसे? कब? कल दोपहर को। कल दोपहर? हाथ ऊपर। कल दोपहर को तुमने ये कहा था कि सुजाता का जन्मदिन है तो वहाँ हाउस पार्टी है। फिर तुमने क्या कहा था? यही कि दारू तो तुम पीने दोगी नहीं, तो फिर वहाँ जाने का क्या मतलब? फिर मैंने क्या कहा? यही कि एक दिन की छूट है। बट हाथ ऊपर। बट लिमिट में पीना। बस यही गलती कर गई मैं। ना बच्चा ना, ऐसी कोई बात नहीं। चुप! मैं बोल रही हूँ ना। हाँ तो जब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में, तुम बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है उसे बोलना जैसे कल बोल रहा था, बेबी आई लव यू, मुझे नहीं सुजाता को। बच्चा मेरा वो। चुप! सुजाता कौन है मेरी? यार तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से। हाँ? और जो हमारी शादी में नाची थी बरातियों के बीच में। किस गाने में नाची थी वो? दो घुट पिला दे साकिया। क्यों नाची थी? क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही थी। किसकी शादी हो रही थी? उसकी बेस्ट फ्रेंड की। किसकी? उसकी बेस्ट फ्रेंड की। मतलब तुझे पता था ना, तुझे पता था ना कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है? बाबू मेरा मुझे पता था नहीं, मुझे अभी भी पता है। फिर भी तूने जा करके पीछे से उसे हक किया और उसकी गर्दन पर किस किया? बेबी यार मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो। गलती ना मेरी थी, ना मैं तुम्हें सुजाता के यहाँ लेकर के जाती, ना ड्रिंक करने की परमिशन देती, ना तुम ड्रिंक करते और ना ही कोई ऐसी गंदी हरकत हुई होती। बस 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 बहुत हो गया। ऊंची आवाज में अगर बात की ना तुमने तो ऐसी चप्पल फेंक के मारूंगी कि देखने वाला भी देख करके बता देगा कि भाभी जी 6 नंबर की चप्पल पहनती है। और हाथ ऊपर रखो अपने। बेबी 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 पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, पहले एक बार बात को जान लो फिर जैसा तुमको सही लगे वैसा करना। मैं बोलूं? बोल। बेबी देखो हुआ कुछ उस वक्त ऐसा था कि मैं थोड़ा सा ड्रंक था। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा ड्रंक था और समझ में मुझे कुछ आ नहीं रहा था। बहुत मेरे को घुटन सी फील हो रही थी क्योंकि अंदर सिगरेट चल रही थी और सिगरेट मैं पीता नहीं हूँ, तो मैं बाहर बालकनी में गया। बालकनी में सुजाता खड़ी थी, मैं उसको पहचान नहीं पाया तो मैंने उसको पीछे से जाके हक कर लिया ये सोचकर कि वो तुम हो। तो तुमने उसको पीछे से जाकर के हक किया? हाँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम हो। और उसकी गर्दन पर किस भी किया? हाँ क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम हो। तुमको मुझ में और सुजाता में कोई अंतर नजर नहीं आता क्या? बताया ना कि उसकी पीठ मेरी तरफ थी और ऊपर से ये तुम्हारा ड्रेस कोड का चक्कर है। शर्मनाक की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर ऐसे फालतू के एक्सक्यूज दे रहे हो मेरे सामने? मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं मातर खोद हूँ, मैं लहन का भंड हूँ, मैं भोप लेडी का हूँ, लेकिन मेरी वो इंटेंशन नहीं थी बाबा। थोड़ी ज्यादा हो गई थी, चीजें समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि इतना ड्रंक होने के बावजूद भी मैं तुम्हें प्यार करने के बारे में सोच रहा था। मुझे नहीं पता था कि वहां सुजाता है, मुझे लगा कि वो तुम हो। एक बार सिर्फ तुम जरा मेरी इंटेंशन पे गौर तो फरमाओ। तो फिर प्रॉमिस करो मुझसे कि आज के बाद तुम कभी ड्रिंक नहीं करोगे। प्रॉमिस 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 मैं आज के बाद मैं छूंगा तक नहीं, ड्रिंक तो दूर की बात। प्रॉमिस प्रॉमिस। मैंने आज तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की, लेकिन मेरी जगह अगर तुम भी होते तो तुम भी ऐसे ही बिहेव करते। अच्छा ये बताओ कि लास्ट में तुम्हारी सुजाता के हस्बैंड से लड़ाई क्यों हो गई थी? छोड़ो यार वो तो बस ऐसे ही। बताओ ना। बस ऐसे ही बाबा। बताओ ना प्लीज। दारू पीकर तुम्हारे बारे में फालतू की बात कर रहा था यार, मैं मुंह ना तोड़ देता आदमी का। अबे जब इतनी झेलती नहीं तो पीते क्यों भाई? तुमको यही नहीं पता लग रहा कि तुम किससे क्या बात कर रहे हो? बदतमीज आदमी। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो। एक मिनट।
दूंगी टटा कर दूंगी। तुमने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी ना, सेंसेस काम नहीं कर रहे थे तुम्हारे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे ना, फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो तुम्हारी बीबी के बारे में पी करके गलत गलत बातें बोल रहा है।